ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 के लिए जब टीम इंडिया का ऐलान हुआ, स्क्वाड में एक नाम देखकर फैंस चौंक गए, सूर्य कुमार यादव। सोशल मीडिया पर जनता बटी हुई थी। हजारों लाखों फैंस का मानना था कि सूर्या की जगह संजू सैमसन को चुना जाना चाहिए था। हालांकि वर्ल्ड कप विनर और संजू के दोस्त एस श्रीसंत का मानना है कि इसमें संजू की ही गलती है। भारत के पूर्व पेसर श्रीसंत का कहना है कि संजू को अपना एटीट्यूड बदलने की जरूरत है। स्पोर्ट्स न्यूज वेबसाइट स्पोर्ट्स क्रीड़ा से बात करते हुए श्रीसंत ने कहा कि संजू के टैलेंट पर किसी को भी शक नहीं है, पर उन्हें सुनील गावस्कर और रवि शास्त्री जैसे दिग्गजों की बात माननी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि संजू को वर्ल्ड कप की टीम में ना चुनने का फैसला सही था। श्रीसंत ने ऐसा क्यों कहा, इसका कारण भी बताया। वो बोले, मुझे लगता है ये सही फैसला है। किसी भी प्लेयर को अपने आप को समझना बहुत जरूरी होता है। सुनील गावस्कर से लेकर रवि शास्त्री, हर कोई मानता है कि उनमें बहुत टैलेंट है, उनकी काबिलियत पर किसी को कोई शक नहीं है, पर उनका अप्रोच वो सुनते ही नहीं है। जब लोग उन्हें पिच के मुताबिक खेलने को कहते हैं, उन्हें अपना ये एटीट्यूड और अप्रोच बदलना चाहिए। जब क्रिकेट के लेजेंड्स आपसे कह रही है कि आप पिच को समझिए, अपना समय लीजिए, मैं उनसे अभी भी यही कहता हूँ। जब भी उनसे मिलता हूँ, पहले पिच को पढ़ो, उसके मुताबिक बैटिंग करो। श्रीसंत यही नहीं रुके, उन्होंने सैमसन की तुलना ऋषभ पंत से की। कहा, हम मलयाली लोग, हम उन्हें हमेशा सपोर्ट करते हैं। कहते हैं उन्हें मौके नहीं मिलते, पर ये सही बात नहीं है, क्योंकि आयरलैंड और श्रीलंका के खिलाफ उन्हें लगातार मौके मिले थे। वो 10 साल से IPL खेल रहे हैं, अब वो तो कप्तान भी बन चुके हैं। उन्होंने IPL में 3 शतक भी लगाए हैं, पर वो कंसिस्टेंट नहीं रहे हैं। ऋषभ पंत को देखिए, उन्होंने अपने स्टेट टीम के लिए कई बार ट्रिपल सेंचुरी भी लगाई है। श्रीसंत ने आगे संजू को सीधा मैसेज दिया और कहा, संजू अगर आप सुन रहे हैं, आपको कंसिस्टेंटली खूब सारे रन्स बनाने होंगे। ऐसा सोचना छोड़ दीजिए कि आपको काफी मौके नहीं मिलते हैं, आपको मिल रहे हैं। आप कोई युवा प्लेयर नहीं है, आप 19 साल के नहीं हैं, आप बहुत जल्द 35 साल के हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। इस साल में जो वक्त बचा है उसका इस्तेमाल कीजिए। उनके टैलेंट पर कोई सवाल ही नहीं है, पर कई सारे अच्छे प्लेयर्स आगे आ रहे हैं। एशियन गेम्स में 2 अच्छे विकेटकीपर्स टीम इंडिया का हिस्सा है। सहानुभूति मिलना बहुत आसान है, प्रशंसा कमाना मुश्किल है। उसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए इंडिया के लिए खेलते हुए। सैमसन ने 2021 में टीम इंडिया के लिए वनडे डेब्यू किया था, उसके बाद से उन्हें 13 मैच खेलने का मौका मिला है। उन्होंने 55 की औसत से 390 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 104 का रहा है। संजू के नाम 385 भी हैं। एशिया कप के लिए संजू को रिजर्व्स में रखा गया था। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की है पुनीत ने। मैं हूँ गरिमा। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप लोग देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया। शुरू हो गया है YouTube पर ललन टॉप का नया मेंबरशिप प्रोग्राम LT प्रीमियम। क्या होगा इसमें? LT प्रीमियम मेंबर्स किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देख सकते हैं गेस्ट इन द न्यूज रूम और किताब वाला जैसे कई शोज। ललन टॉप के हम सब एंकर्स हर हफ्ते आपसे करेंगे लाइव चैट, देंगे आपके सवालों के जवाब। ललन टॉप के न्यूज रूम में क्या होता है? अर्ली एक्सेस ब्लॉग में दिखेगी न्यूज रूम की रोचक जानकारी और उठापटक। ये मेंबरशिप लेने के बाद सिने सन्यासी समेत कई नए नवेले पॉडकास्ट भी आप सबसे पहले सुन पाएंगे। जो हमारे नए शोज प्रस्तावित हैं उस पर भी आपकी राय ली जाएगी, खास तौर पर क्योंकि आप हैं हमारे प्रीमियम व्यूअर। इसके अलावा मजेदार स्टिकर्स के साथ चैट कमेंट करके आप नजर आएंगे सबसे अलग। इन स्टिकर्स का इस्तेमाल आप YouTube के चैट और कमेंट सेक्शन में कर पाएंगे। इस मजे के लिए क्या करना होगा, इस जुड़ाव के लिए क्या करना होगा, जाना होगा ललन टॉप के YouTube चैनल पर और ज्वाइन बटन को प्रेस करना होगा। फिर सिर्फ 69 रुपए महीने में मिलेगा ललन टॉप आनंद। एप्पल यूजर नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर LT प्रीमियम सब्सक्राइब करें।